कई देशों को भारत का जो उभार है वो रास नहीं आ रहा है। इनमें चीन भी है, इनमें अमेरिका भी है, इनमें ब्रिटेन भी है। जिस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, अडानी को निशाना बनाया गया, उसके बाद जॉर्ज सोरोस ने बाकायदा लिखित वक्तव्य पढ़ा, इससे भी इस बात की पुष्टि होती है कि विदेशी ताकतें जो हैं भारतीय उभार को और भारतीय उद्योगपतियों के वैश्विक होने को पचा नहीं पा रही हैं। ऐसे में अगर प्रमुख विपक्षी दल का कोई नेता भी उनके सुर में सुर मिलाता हुआ दिखाई दे, तो क्या ये संदेह नहीं होता कि वो उनके इशारे पे काम कर रहा है? सर, ये तो देखिए दुनिया का उसूल है, और खासकर भारत जैसी अर्थव्यवस्था को कोई नहीं चाहेगा कि वो आत्मनिर्भर बने। उदाहरण के लिए कि आज आप पहले आप करीब 10-20 बिलियन डॉलर का मोबाइल फोन आयात करते थे, आज आप 5-7 बिलियन डॉलर का मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करने में लग गए। तो सर, जहां से आयात होता था वो आपसे कमाते थे, अब आपने पॉलिसी बदली। पॉलिसी बदलने से हिंदुस्तान में मोबाइल बनने लगे, उसका फायदा ये हुआ कि आपको आयात नहीं करना पड़ रहा, आज मेक इन इंडिया पे काम चल रहा है, और अब आप उसी क्वालिटी का फोन बना रहे हैं जो दुनिया में कहीं भी बन सकता है, मतलब कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी। जब आप वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का फोन हिंदुस्तान में बना रहे हो और यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आप समझिए कि जो लोग हिंदुस्तान को एक्सपोर्ट कर रहे थे पहले, मतलब पहले 5-7 बिलियन डॉलर का फोन आता था, वो हाथ से गई बाजार। अब जो वो दूसरे देशों में 5-7 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते थे, वो बाजार गया। तो 10 बिलियन डॉलर का बाजार अगर हाथ से चला जाता है, तो सर कहीं ना कहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, कहीं ना कहीं तो राज्य उन देशों का रेवेन्यू घटेगा, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आएगी। अब वो आपसे खुश क्यों होंगे, सवाल ये है। फिर भारत ने बहुत सारी डिफेंस आइटम्स को बोल दिया कि इंपोर्ट नहीं करेंगे, मेक इन इंडिया ही होगा। अब सवाल ये आ जाता है घूम फिर के कि मेक इन इंडिया जब आप कर रहे हो, तो जो लोग पहले वो एक्सपोर्ट करते थे, अब वो नहीं काम चल रहा। फिर आप कह रहे हो कि नहीं जी, हिंदुस्तान में हम हाइड्रोजन पे काम करेंगे, हम बायोगैस पे काम करेंगे, हम CNG पे काम करेंगे, हम सौर पावर पे काम करेंगे, ई व्हीकल हम खुद बनाएंगे। तो जब सब कुछ आप कर लोगे, तो हमने जो फैक्ट्रियां लगाई हैं उनका क्या होगा? और ये आदमी आ गया एक जो सारा हमारा बना बनाया बिजनेस प्लान बिगाड़ रहा है। चाइना दुखी इस बात से है कि हमारा एक्सपोर्ट बंद हो रहा है, हमारे एप्स बंद हो गए। अमेरिका इसलिए दुखी है कि हम जो चीजें एक्सपोर्ट करना चाहते थे वो मेक इन इंडिया हो रही है। यूरोप इसलिए दुखी है कि जो हम चीजें बनाना के यहाँ बेचना चाहते थे, अब वो इंडिया ले नहीं रहा, तो हम बेचेंगे किसको? सो कहने का मतलब यह है कि सर, जब आप अपने आप को सुदृढ़ करते हैं, तो जो लोग आपकी अर्थव्यवस्था को और बाजार का इस्तेमाल करके अपनी अर्थव्यवस्था चला रहे थे, जब उनकी दुकानें बंद होने लगेंगी, तो वो तो शोर मचाएंगे ना सर। तो यही हो रहा है। और जब वो शोर मचाएंगे, मान लीजिए आज चाइना का 20 बिलियन डॉलर या 25 बिलियन डॉलर का इंडिया में नुकसान हो गया बिकॉज ऑफ मोदी सम पॉलिसीज, अब मोदी को दुखी करने के लिए और कुर्सी से हटाने के लिए अगर 25 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, अगर मुझे हिंदुस्तान में 25 मिलियन डॉलर, जो 1/1000वां हिस्सा है, अगर मुझे खर्चना पड़ जाए मीडिया में, पॉलिटिकल पार्टीज में, एनजीओज में, हर तरह के तमाशे में, यूट्यूबर्स में, और इससे मोदी की छवि खराब हो जाए इस उम्मीद में कि 2024 में वो हार जाए ताकि हमारी दुकानें फिर से चल निकले, इससे अच्छा और क्या है सर मॉडल? कि आपका 25 बिलियन डॉलर को बचाने के लिए आपने 25 मिलियन डॉलर खर्च दिए, तो दिक्कत क्या है सर? हर आदमी खर्चेगा। और अगर दुनिया में लॉबिंग नहीं हो रही होती, तो फिर ये तमाशे क्यों? तो लॉबिंग तो गेम है ना, लोगों के दिमाग को स्पॉइल करना, लोगों के दिमाग में जहर भरना, ये भी तो राजनीति का हिस्सा है। तो आप अगर भाषण में देखेंगे, जिसके कारण उनकी संसद सदस्य होने का जो गौरव था वो गया, वो भी तो जहर ही भर रहे थे जनता में।
तो जो ब्रेन पॉइजनिंग का काम है उसके लिए तो सिर्फ पैसा ही चाहिए और तो कुछ चाहिए नहीं, और वो मिल जाता है आज की दुनिया में। तो आप ब्रेन पॉइजनिंग करते रहिए, और ये चल रहा है इस देश में।